हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है pkcapri.com में। आज देखते हैं हम NOS का TMA का फ्रंट पेज कैसे बनाते हैं। कहते हैं ना, जिस तरह कोई बुक्स हो उसका फ्रंट पेज अच्छा होता है तो हमें वो लेने का मन करता है, पढ़ने का मन करता है। उसी तरह TMA की फाइल का अगर आपने फ्रंट पेज बहुत अच्छा बना रखा है तो एक टीचर के मन में ये जगता है कि आपने वी का वाकई अच्छा मेहनत किया है, और छोटी मोटी गलतियाँ को वो माफ भी कर देता है और अच्छे मार्क्स देता है। तो वो देखते हैं कि टीम का फ्रंट पेज कैसे होना चाहिए, कुछ सैंपल देखते हैं उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। जिससे मैंने एक फ्रंट पेज बनाया है जो मैंने टॉप में लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो आपका बोर्ड है, जो शॉर्ट में NIOS भी कहते हैं। उसके बाद हमें लिखा है NIOS टोटल मार्क्ड असाइनमेंट, सो शॉर्ट में क्या कहते हैं TMA। यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं। उसके बाद जो मेन कंटेंट होता है उसके अंदर नेम, जो स्टूडेंट का नाम होता है, दूसरा क्लास, जो स्टूडेंट क्लास है, टेंथ क्लास है तो टेंथ क्लास लिखेंगे, ट्वेल्थ क्लास हो ट्वेल्थ क्लास लिखेंगे। उदाहरण देखो, मान लीजिए किसी नाम सोनू है तो सोनू लिखेगा, वो सोनू क्लास टेंथ में है तो वो टेंथ लिखेगा, कोई ट्वेल्थ में तो ट्वेल्थ लिखेगा, और टेंथ को सेकेंडरी भी लिख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी भी लिख सकते हैं, जो आपको इच्छा हो वो लिख सकते हो। इसे आप कलर भी कर सकते हैं, यहाँ से कलर कलर लगता भी, हाँ अच्छा है, जो आपको सूटेबल लगे कलर भी कर सकते हो उसके अंदर भी, तो जैसे आपको पसंद है आप वो कर सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट, सबसे हिंदी है तो हिंदी सब्जेक्ट में कोड भी डाल दो, जिसमें आप कर सकते हो सब्जेक्ट एंड कोड। कई स्टूडेंट को ना सब्जेक्ट तो पता होता ना, नहीं कोड नहीं पता होता, किसी कोड पता होता सब्जेक्ट नहीं होता, तो आप ये इजीली अपने बुक पे या TMA की जो बुक्स है वहाँ पे देख सकते हो। तो सब्जेक्ट और कोड दोनों यहाँ पे डाल सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे भी कलर कर देते हैं, बताओ कौन सा कलर आपको पसंद है, ब्लू कर देते हैं। इनरोलमेंट नंबर, जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है ये बेसिकली 11 डिजिट का होता है, जो आपके आई कार्ड पे ऊपर लिखा होता है। कई स्टूडेंट इसको रोल नंबर भी समझते हैं, तो रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर दोनों एक ही होता है। तो यहाँ चीज़ एक ध्यान रखना, जो रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर जो एडमिशन लेते समय इशू होता है वो अलग होता है, तो वो नहीं डालना है, फिर रोल नंबर डालना है जो आपका आई कार्ड पे होता है। जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है तो आपको आई कार्ड इशू होता है, उस आई कार्ड के ऊपर इनरोलमेंट नंबर होता है, टॉप पे ही होता है, आप वो डाल सकते हैं। कोई दिल्ली का हो तो 27 से स्टार्ट हो, तो ये बेसिकली ये 11 डिजिट का होता है, आप चेक कर लीजिएगा अपने आई कार्ड में और इन डालिएगा। और उसी कार्ड आई कार्ड के नीचे देखिए स्टडी सेंटर होगा, जिसे आप AI सेंटर भी कहते हो, तो स्टडी सेंटर नेम एंड कोड दोनों डाल सकते हो। जो कोड होता है आपका इनरोलमेंट नंबर के 6 डिजिट जो शुरुआत के होते हैं वो कोड होता है स्टडी सेंटर का, और नाम सबसे नीचे टॉप पे लिखा होगा, सॉरी सबसे नीचे बॉटम में लिखा होगा, नाम और कोड दोनों ही लिखा होगा, आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं लिखूँ मैं सर्वोदय बाल विद्यालय, ये आपका हो दिल्ली, ठीक है, इस तरह से इनरोलमेंट नंबर जो भी हो डाल दो जो आपको ठीक लगे। ये ये आपका उदाहरण के लिए है, तो इसको हम कलर कर देते हैं। बताओ ये कौन सा कलर पसंद है आपको, जहाँ है दिल्ली, पिन कोड डाल दो, जो भी डाल सकते हो। ये प्रॉपर एड्रेस आपको आपके आई कार्ड पे मिल जाएगा। मतलब TMA का जो फ्रंट पेज है ऐसा बनाना है जो टीचर को देखते सर लगे हाँ बच्चे ने मेहनत किया है। जिस तरह कहते हैं ना अपने आप को तैयार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई देखे तो बोलता है हाँ भाई अच्छा, बेशक वो अच्छा ना हो लेकिन कपड़ों से अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद रीजनल सेंटर डाल दो, जैसे कोई दिल्ली का तो नोएडा, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका आई कार्ड का सेकेंड पार्ट होता है उसके ऊपर होता है, अगर आपने लेमिनेशन करा रखा है तो आपके बैक साइड पर मिल जाएगा आपको। एकेडमिक ईयर,
इसमें यहाँ पर सेशन है आपका, जो भी सेशन है आपका, ठीक है, सेशन में आपका होगा 2021 का है तो 2021, ठीक है, कोई बच्चा 19-20 का है तो 19-20, कोई बच्चा 21-22 का तो 21-22, जो भी सकते हैं। यहाँ सीजन लिखना है आपका, स्ट्रीम 1 है, ब्लॉक 2 है, उस तो सीजन लिख होता है 19-20-21, जिस भी सेशन आपने एडमिशन लिया है वो करना है। तो यहाँ पे आप इसको भी कलर कर दो, कर देते हैं हम भाई, ये कर देते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है, ये आप पेन से करेंगे और फ्रंट पेज बना के सबमिट करेंगे। ये जो फ्रंट पेज बनेगा हर फाइल के लिए अलग अलग बनेगा, अगर आपके 5 सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट का बनाना फाइल, उन 5ों के फ्रंट पेज अलग लगाना, हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी सब्जेक्ट आपके, 6 सब्जेक्ट 6 के, अगर आपने 2 सब्जेक्ट 2 के, मैंने जितने भी फाइल बनाओगे उन सबके फ्रंट पेज आपको लगाना है और अच्छे से लगाना है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब देखो फ्रंट पेज बना लिया हमने, हम जाएंगे इसको सबमिट करने के लिए। सर जब आप स्टडी सेंटर पे सबमिट करने जाते हो, जिस सेंटर सबमिट करना चाहते हो, तो इस तरह से एक सबमिशन रिसिप्ट है। तो सबमिशन रिसिप्ट क्या होता है, इसमें डिटेल होती है AI सेंटर, स्टडी सेंटर, एनरोलमेंट नंबर, कैंडिडेट नाम, आपका नाम, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेम, डेट, और जो टीचर जो आपसे रिसीविंग लेंगे इस टीम में वो साइन करके आपको दे देंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट के क्या होता है सर टीम में सबमिट करके आते हैं लेकिन उनका जो मार्क्स है चढ़ता नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ आता है नॉट सबमिटेड, या उनसे खो जाता है या चढ़ा नहीं पाते, जो भी हो। और जब स्टूडेंट दोबारा जाते हैं वहाँ पर तो वो कहते नहीं आपने जमा नहीं कराया है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि आप उनसे सबमिशन रिसिप्ट जरूर लें, हर फाइल के लिए अलग सबमिशन रिसिप्ट लें, ये हिंदी का ले लिया, ये इंग्लिश का ले लिया, इस तरह से समझ गए। कुछ और देखते हैं, आपको कुछ सैंपल और दिखाते हैं TMA के जो हमारे स्टूडेंट ने बनाए। देखो ये भी बना सकते हैं, असाइनमेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, स्टडी सेंटर नेम, कोड, फ़ोन नंबर, एड्रेस, इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और दिखाओ, और दिखाओ जी, ये देखो इस तरह से भी बना सकते हो। और चेक की ध्यान रखना, जब भी TMA जमा कराओ आप ड्यू डेट से पहले जमा करा देना, और आपका एग्ज़ाम अप्रैल मई में है तो आपका जो ड्यू डेट होता है वो 31 जनवरी होता है, तो 31 जनवरी से पहले पहले आपको वो सबमिट करना होता है, 31 जनवरी से पहले पहले वो सबमिट करना होता है। अगर आप 31 जनवरी से बाद में सबमिट करते हैं तो आपको लेट फाइन पे करना होता है, और लेट फाइन थोड़ा मोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, 1500 रुपये पर सब्जेक्ट, 1500 पर सब्जेक्ट। इसलिए कोशिश करें कि आप जब TMA सबमिट करते हैं तो ड्यू डेट से पहले ही सबमिट कर दें, चाहे वो अपने रीजनल सेंटर पे कर दें या अपने स्टडी सेंटर पे कर दें, जहाँ भी सबमिट करें अपना TMA सबमिशन रिसिप्ट जरूर लें। और अगर आपका पेपर जो एग्ज़ाम है वो 8 नवंबर के में होता है, आप 8 नवंबर के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो TMA सबमिशन डेट होती है ऑफिशियली 31 जुलाई, तो 31 जुलाई तक आपको सबमिट करने होते हैं। जब तक कि डेट एक्सटेंड ना हो जाए या कोई और इन्फॉर्मेशन ना मिले, कोई नोटिफिकेशन ना मिले, ये डेट आपकी लास्ट डेट यही रहती है। तो आप ध्यान रखना, आप अपना TMA ये ड्यू डेट से पहले ही सबमिट कर देना। सर जी सबमिट कहाँ पे करें, जैसे मैंने बताया आपके स्टडी सेंटर पे या आपके रीजनल सेंटर पे कहीं भी सबमिट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट ने कितने अच्छे अच्छे फ्रंट पेज बनाए हैं, तो इस अकॉर्डिंग आप अपना जैसा भी मन करे, जैसा भी पसंद हो, आप फ्रंट पेज बना सकते हो। फ्रंट पेज आपको अच्छा दिखेगा, फाइल भी अच्छा लगेगा, तो मार्क्स भी अच्छे ही मिलेंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, परसेंटेज बढ़ेगा, हायर क्लास के लिए भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो लगे कि क्रिएटिव है। देखो ये सब आइडिया है, आपको माइंड ओपन हो गया है, आपको कुछ आइडिया दे दिया, तो आप इससे भी अच्छे अच्छे और भी अच्छे बना सकते हैं। देखो इसमें कोई स्टूडेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, बस क्रिएटिव बनाना है, जो भी अच्छा लगे। एक मैं यहाँ पे MS ऑफिस में वर्ड की फॉर्मेट नीचे डाल दूँगा TMA का फ्रंट पे, उसमें आप एडिट भी कर सकते हो, तब आसान है, आपका काम थोड़ा आसान कर दिया। मेन कंटेंट यही होता है, नाम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, स्टडी सेंटर, सब्जेक्ट कोड, फ़ोन नंबर,
रीजनल सेंटर, एकेडमिक ईयर, सेशन, बस यही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। आप समझ चुके हैं कि टीम में फ्रंट पेज कैसे बनाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टीम में फ्रंट पेज बना के आपको स्टेज सेंटर रीजनल सबमिट करना है बिफोर ड्यू डेट से पहले। और आपने ड्यू डेट के बाद सबमिट किया तो आपको लेट फाइन लगेगा, वो भी 1500 रुपये एक सब्जेक्ट का। और टीम में सबमिट करने के जो समय सबमिशन रिसिप्ट जरूर लें, वरना आपका टीम में अगर सबमिट नहीं होता है तो आपको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा, आपका मार्क्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।